हाँ, लिप का ये डॉर्सल साइड है जो सन को फेस करेगा, ये वेंट्रल साइड है जो सन के अपोजिट रहता है ग्राउंड की तरफ, ठीक है। तो स्टोमेटा हम लोग को जब भी निकालना है तो वेंट्रल से निकालना है, क्योंकि डॉर्सल में क्यूटिकल होता है और इधर स्टोमेटा काफ़ी कम होता है, इसीलिए हम लोग को वेंट्रल साइड से टर्न करना है। देखिए ऐसे ऐसे टर्न करेंगे, मिड रिब से सटाते हुए ऐसे खींचेंगे, देखिए पतला लेयर ट्रांसपेरेंट निकलेगा, ये वाला जो पतला ट्रांसपेरेंट अच्छा है। हाँ, पतला ट्रांसपेरेंट लेयर निकलते जाएगा, ठीक है। इस ट्रांसपेरेंट लेयर को कटिंग कर लेंगे सीजर से और स्टेन करेंगे तो स्टोमेटा साफ दिखेगा। हाँ, इसको करिए ना, सीजर है नीचे, कैंची है या ब्लेड से करिए। उस ट्रांसपेरेंट लेयर को कट करते हैं, स्लाइड भी इसमें कितना अच्छा टर्न हुआ, वो बहुत अच्छा से कितना। रियो लीफ क्यों लिया जाता है, रियो लीफ थोड़ा मोटा होता है ना, अच्छे से फटता है। ये वाला उस पर डालिए, ये सफल नहीं ग्राम सफल इस पर करना चाहिए सर, इसमें इसी में डुबो के हाँ, हो जाएगा तब अलग से, मैं उसी पर डालिए। वो टच करके अपना स्प्रे हाँ से या वो सीजर से फैला दीजिए, क्लास में निकल गया मिनट, हाँ 20 मिनट छोड़ देंगे फिर स्टैंड करेंगे, फिर माउंट करेंगे। स्टैंड तो हो गया, इस स्टैंड को वॉश करेंगे 20 मिनट बाद फिर माउंट करेंगे, छोड़ना है एटलीस्ट 20 मिनट इसको छोड़ना। इसके बाद माइक, इसके बाद क्या प्रोसेस, इसके बाद वॉश करके उसको माउंट करेंगे, फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। ये एक्सेस ऑफ स्टेन हम बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि एक्सेस ऑफ स्टेन आपको दिक्कत देगा एब्जॉर्ब करने में, हम लोग ये एक्सेस ऑफ स्टेन क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, जिनका जरूरत हमें नहीं। लीफ के ऊपर जो स्टेन है हमें सिर्फ उससे मतलब है, उसके अलावा हमें किसी भी चीज़ों से मतलब साइड में नहीं पड़ेगी सर, समझे। एक्सेस ऑफ स्टेन देखिए हट गया इसमें से, फालतू फालतू स्टेन नहीं है, अब सिर्फ हम लोग को उसमें स्टेन है जो कि हमको क्या करेंगे, अब इसको हम अब्जॉर्व करेंगे माउंट करके, समझे सर। इससे पहले सर इसका थोड़ा एक्सेस ऑफ स्टेन मैं इससे निकाल देता हूँ ब्लॉटिंग पेपर, इसको पकड़ के रखेंगे, स्प्रेड होगा, कैंची बबल्स नहीं बनने देना है इससे, हाँ यही कैंची होगा, कैंची है मिला नीचे से, धीरे धीरे इसको नीचे जाने देना है, इस पर टिका कर आपको धीरे धीरे, बस कोई बबल नहीं आना है ना, अगर आप डायरेक्ट डालते तो इसमें बबल आपको नजर आएगा, जो कि आप बबल नजर आएगा तो आपको माइक्रोस्कोप में केवल बबल नजर आएगा, नहीं फोल्ड नहीं। बार बार जितना फैल गया उसको एब्जॉर्ब कर लीजिए, जितना क्लीन रहेगा उतना अच्छा है। ये एक्सेस ऑफ ग्लिसरीन जो है उसको हम हटा देंगे।